Yes, in the controlled access protocol, now we are going to study token ring. We have seen the polling and reservation in the last lecture. These protocols are used for avoiding the collision in the network. Means when the data is transmitted in a shared medium, then there might be a possibility that many hosts will transmit its information, send its information simultaneously, and the data gets collide into the medium, into the channel. So there are various methods used for avoiding this. There are various protocols used for avoiding this collision. In that, random access protocols we have already covered. Now in the controlled access protocol, we are going to study the token ring method. What happens into the token ring is the devices are connected into a ring. I have noted some points, we'll discuss that. The station in a network are organized in a logical ring. ठीक है, जो station रहेगा वो क्या organized रहेगा, in a logical, all the stations are organized in a logical ring. A special token circulates through the ring. ठीक है, एक token रहेगा जो complete ring में flow होता रहेगा. The station cannot send data until it receives token. ठीक है, अगर कोई network है, in this network if the hosted, all the hosts are connected, then none of the host is allowed to send the information until it is having a token with him, with it, it is having a token with it. Jiske paas token rahega wahi information ko transmit kar sakta hai, and remaining all will become the receivers. The station cannot send data until it receives token. The token must be monitored to ensure it has not been lost. Abhi jab token transmit hoga to wo kahin pe token lost nahi hona chahiye, loop mein nahi jana chahiye, ya suppose kahin pe koi failure hua hai to wahan pe kya hoga, fir completely system inoperative ho jayega. To us pe kuch monitoring honi chahiye. Kis pe? Token pe jo flow ho raha hai. Then in token passing network, station do not have to be physically connected in a ring. The ring can be a logical one. ठीक है, क्या होगा, स्टेशन को ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ऑल स्टेशन शुड बी कनेक्टेड फिजिकली, वो लॉजिकली भी कनेक्टेड हो सकते हैं. क्या होता है टोकन रिंग मेथड में, इन द टोकन रिंग मेथड ऑल द होस्ट आर कनेक्टेड इन अ लॉजिकल और अ फिजिकल रिंग. फिर क्या होगा, टोकन फ्लो होगा. टोकन फ्लो होने के बाद में क्या होगा, जिस होस्ट ने टोकन को होल्ड किया विल बी एबल टू ट्रांसमिट इट्स इन्फॉर्मेशन, एंड रिमेनिंग ऑल अदर होस्ट विल बिकम एज अ रिसीवर. ओके, एंड दे विल वेट अंटिल द टोकन इज रिसीव टू दैम. जिसके पास टोकन रहेगा वही इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है. जैसे होस्ट वन है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, होस्ट वन. ओके, इसका प्रीडिसेसर मीन्स फोर, प्रीडिसेसर मीन्स जिससे हमको टोकन आया है, प्रीडिसेसर, एंड इसका सक्सेसर कौन सा रहेगा, टू. तो ये टोकन को नहीं पता चलेगा कि कौन से रिंग में ये जा रहा है, बस उसको क्या करेगा, प्रीडिसेसर उसको इनपुट देगा, देन ये जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कंप्लीट करेगा फिर ये अपने सक्सेसर के पास में रिंग को फॉरवर्ड करेगा. इफ इट डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन टू ट्रांसमिट, देन इट विल फ्री द टोकन. ठीक है, देर आर सम टोपोलॉजीज यूज इन द टोकन रिंग. फिजिकली अगर हम कनेक्टेड करते हैं टोकन रिंग को तो ऐसे कनेक्ट करेंगे, वन से टू को, टू से थ्री को, थ्री से फोर को, एंड फोर से वन को. लाइक अ रिंग द इंफॉर्मेशन विल ट्रांसमिट, वन का फिर से सेकेंड टाइम कभी आएगा, टर्न आफ्टर कंप्लीट साइकिल, मीन्स साइक्लिकली द टोकन विल बी शिफ्टेड इन ऑल अदर होस्ट. ओके, दिस इज अ ड्यूल रिंग. इन द ड्यूल रिंग टोपोलॉजी व्हाट हैपन्स, द ड्यूल कनेक्शंस आर एस्टेब्लिश्ड. ओके, मीन्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, ड्यूल कनेक्शंस आर एस्टेब्लिश्ड. वाई, बिकॉज इफ देर इज अ फेल्यूर, कहीं पे फेल्यूर होता है तो क्या होगा, कंप्लीट नेटवर्क इनऑपरेटिव नहीं होगा, सेकेंड लिंक वहां पर यूज हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं, जैसे कार में स्टेपनी होता है, कहीं पर अगर कार पंक्चर हो जाती है तो वहीं पर हम स्टेपनी से रिप्लेस कर देंगे, और फिर बाद में उसको रिपेयर करने के बाद में फिर स्टेपनी क्या हो जाएगी,
ऑक्सिलरी रहेगी, मीन्स ये सेकेंड कनेक्शन क्या रहेगा, ऑक्सिलरी रहेगा, जब तक ये कनेक्शन कंटिन्यू रहेगा, अनटिल एंड अनलेस दिस वन ऑफ द कनेक्शन इज फेल्ड, द सेकेंड कनेक्शन विल गोइंग टू बी यूज फॉर दैट टाइम. ओके, ये कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज इन हाई स्पीड टोकन रिंग नेटवर्क. हाई स्पीड टोकन रिंग नेटवर्क में ये टोपोलॉजी यूज होती है, जैसे कि दैट फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यूजेस दिस टोपोलॉजी. ओके, हाई स्पीड टोकन रिंग जो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि FDDI एंड CDDI, ये नेटवर्क्स इस टोपोलॉजी को यूज करते हैं. कौन सी टोपोलॉजी को, ड्यूल नेटवर्क टोपोलॉजी को. इसमें क्या होता है, दो पोर्ट्स होने चाहिए, ट्रांसमीटर के लिए दो पोर्ट्स, रिसीवर के लिए दो पोर्ट्स होने चाहिए. क्यों, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग डबल कनेक्शन विथ ईच होस्ट. देन इन अ बस रिंग टोपोलॉजी विथ द बस ऑल द होस्ट आर कनेक्टेड एंड लॉजिकली द रिंग विल बी गिवन, सॉरी द टोकन विल बी गिवन टू होस्ट वन, देन होस्ट टू, देन होस्ट थ्री एंड होस्ट फोर अगेन टू होस्ट वन. इवन दो दे आर कनेक्टेड विद द बस, लॉजिकली दीज आर द कनेक्शंस फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड अगेन 4 to 1. दिस इज द प्रोसीजर इन बस रिंग. एंड इन द स्टार रिंग लाइक ए हब, इफ ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ हब, देन द रिंग टोपोलॉजी इज यूज हियर बाय सेंडिंग द टोकन्स फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और फ्रॉम 1 to hub, देन हब टू 1. लाइक वाइज बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन फ्रॉम हब टू ऑल अदर डिवाइसेस हैपन्स इन द स्टार रिंग टोपोलॉजी. ओके, टोकन रिंग मेथड इज क्लियर टू यू. व्हाट हैपन्स इन द टोकन रिंग, टोकन फ्लो होता रहेगा, वो भी सिक्वेंशियली साइक्लिकली शिफ्ट होता रहेगा. जिस होस्ट को सेंड करना इन्फॉर्मेशन, इट विल होल्ड द टोकन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम एंड देन इट विल पास द टोकन टू अदर होस्ट. इफ अ होस्ट डोंट वॉन्ट टू ट्रांसमिट दिस इन्फॉर्मेशन, इट डायरेक्टली शिफ्ट द टोकन टू अदर होस्ट. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स, रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, पोलिंग एंड टोकन रिंग. ओके, थैंक यू.